बेसिक बातें ऑप्शन राइटिंग से रिलेटेड समझना काफ़ी ज़रूरी है। ऑप्शन राइट करने का मतलब ये होता है ऑप्शन को पहले बेचना और बाद में खरीदना। कॉल या पुट को पहले बेचना और बाद में खरीदना, काफ़ी लोग ऑप्शन राइट करके भी काम करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि ऑप्शन में एक प्रीमियम होता है जो एक्सपायरी डेट तक खत्म हो जाता है। उस प्रीमियम गेन के लिए लोग ऑप्शन को राइट करा करते हैं, यानी शॉर्ट सेल करते हैं, पहले बेच के बाद में खरीदते हैं। तो यहाँ पर एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम इंडिविजुअल सिर्फ सिंगल किसी ऑप्शन को राइट करते हैं तो वहाँ पर रिस्क रिवार्ड रेशो का जो पैमाना होता है वो काफ़ी अनबैलेंस्ड होता है। मान लो कोई ऑप्शन 100 रुपये का चल रहा है, अगर मैं उस ऑप्शन को खरीदूंगा तो मैक्सिमम मुझे लॉस कितना लगेगा? मैक्सिमम जो मुझे लॉस लगेगा वो रहेगा 100 रुपये। वो 100 रुपये का मैक्सिमम 0 तक जा सकता है, माइनस में नहीं जाएगा। तो मैक्सिमम जो मेरा लॉस रहेगा वो 100 रुपये का रहेगा। लेकिन अगर उसी ऑप्शन को मैंने शॉर्ट सेल करा, ऑप्शन राइट करा, तो अब मेरा मैक्सिमम लॉस कितना लगेगा? अब मेरा मैक्सिमम लॉस कितना भी लग सकता है, वो 100 से ऊपर कितना भी जा सकता है। तो यहाँ पर रिवार्ड मेरा फिक्स है, लेकिन रिस्क जो है वो एक अनलिमिटेड भी हो सकती है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन राइट विदाउट एनी हेजिंग किया जाए और उस पोजीशन को होल्ड करा जाए तो ये अपने आप में एक रिस्की ट्रेड हो सकता है। क्योंकि आज मैंने अगर कोई ऑप्शन राइट करा और उस पोजीशन को होल्ड करा तो जैसा कि हम जानते हैं 3:30 बजे मार्केट बंद होता है और अगले दिन सुबह 9 बजे ओपन होता है, तो 3:30 से 9 के बीच में एक काफ़ी लंबा ड्यूरेशन होता है। तो इस बीच में अगर कोई ऐसी न्यूज़ आ गई जिसका इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ना था और जिस वजह से गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग हो गई, सपोज़ मैंने कोई कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर रखा है और कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ गई, तो हो सकता है वो कॉल ऑप्शन काफ़ी बढ़ जाए, मुझे काफ़ी बड़ा लॉस लग सकता है। वैसे ही अगर मैंने कोई पुट ऑप्शन शॉर्ट कर रखा है यहाँ पर और कोई बहुत नेगेटिव न्यूज़ आ गई बाज़ार बंद होने के बाद, तो अगर गैप डाउन ओपनिंग हो गई तो हो सकता है मुझे कोई बड़ा लॉस लग जाए। तो यहाँ पर एक सिंगल ऑप्शन राइट करके जाना एक रिस्की ट्रेड हो सकता है। वहीं पे अगर हम ऑप्शन को राइट भी करते हैं लेकिन एक प्रिकॉशन के साथ, एक सेफ्टी के साथ, तो यहाँ पर एक हेज पोजीशन क्रिएट करके ऑप्शन को राइट किया जा सकता है। जैसे रिस्क रिवार्ड रेशो को हम एक फिक्स कर लें, उसको किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं और किस तरीके से हम ऑप्शन राइट भी करें लेकिन विथ हेजिंग। अगर हम कोई भी ऑप्शन राइट करके पोजीशन कैरी कर रहे हैं तो अगले दिन भले ही कितना भी गैप अप गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, हमें कोई विशेष फर्क नहीं पड़े उससे। यहाँ पर अगर हम ऑप्शन राइट करते हैं एक हेज पोजीशन के साथ तो हम अपने ट्रेड को तो सेफ रखते ही हैं, हम हमारी कैपिटल को भी सेफ रखते हुए काम करते हैं। क्योंकि कोई भी बड़ा कैपिटल में लॉस लगे उसके बजाय अगर हम एक छोटे से लॉस में बाहर हो सकते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होता है। छोटे से लॉस के बाद भी हमारे पास इतना रहता है कि वो छोटे से को तो हम कवर कर ही सकते हैं और हम प्रॉफिट में भी पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन मार्केट में विथ हेजिंग काम किया जाए तो ये एक काफ़ी सेफर टूल होता है। थैंक यू।